गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री में। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट कोड CC8 से, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसके एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो उसके यूनिट 1 के सेक्शन सी में है, जिसका नाम है इलेक्शन अर्थात निर्वाचन। तो चलिए आज हम निर्वाचन के विषय में देखेंगे कि निर्वाचन, भारत में निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है और निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, भारत को आज़ादी प्राप्त हुई ब्रिटिशों के चंगुल से, और आज़ादी के बाद भारत ने एक नया संविधान लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात भारत में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु एक निर्वाचन आयोग की रूपरेखा निर्धारित की गई। यहाँ के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन एवं संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी एक आयोग को सौंपी गई, जो एक चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के लिए समान होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका गठन भारत के संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से किया जाता है। अब हम भारत में जो निर्वाचन होते हैं उससे संबंधित जो इस आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग की शक्तियां और उसके कार्यों को देखेंगे। तो हम इसकी तीन श्रेणियां विभाजित करते हैं, पहला प्रशासनिक, दूसरा सलाहकारी और तीसरा अर्थन्यायिक, और इसके आधार पर हम इसके शक्ति और कार्यों को देखते हैं कि किस प्रकार भारत में निर्वाचन के कार्यों को संचालित करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है, अर्थात एक परिसीमन आयोग है जिस आयोग के माध्यम से जिला क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र का चुनाव क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में जो परिसीमन किया गया है वह परिसीमन वर्ष 2022 तक लागू रहेगी। इस परिसीमन के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है, और इसे निर्धारित करने का काम चुनाव आयोग के माध्यम से परिसीमन आयोग के साथ सहयोग के माध्यम से यह किया जाता है। इसके पश्चात इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण अधिकार या शक्तियां हैं, यह समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करता है और योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है, अर्थात 18 वर्ष की आयु के वयस्क व्यक्ति का निर्वाचन आयोग उनको पंजीकृत करने का और समय समय पर उनको उनके अपडेशन का कार्य, यानी कि उनकी जो योग्यता है, मापदंड है, उनको देखने का काम निर्वाचन आयोग नियमावली या उनके पंजीकरण द्वारा पंजीकृत करके करता है। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना भी निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। वह किसी भी चुनाव में, चाहे वो संसद हो, लोकसभा हो, संसद के दोनों सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा, फिर राज्य के विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद, या जिला लेवल पे जो भी चुनाव कार्य होते हैं, उनकी तिथि का निर्धारण, उनकी समय सारणी का निर्धारण एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण का कार्य करता है। या जो निर्वाचन आयोग होता है वह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। इस प्रकार से राजनीतिक दल को जो मान्यता है, चाहे कि वह राज्य स्तरीय चुनाव दल हो या केंद्र स्तरीय दल हो, इनको चुनाव चिन्ह आवंटित करने का काम ये चुनाव आयोग के माध्यम से
संपादित किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उनके चुनाव चिन्ह के विवादों के समाधान या न्यायालयों की तरह भी करता है। साथ ही निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए यह अधिकारी नियुक्त करता है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी अधिकार रखता है और उनके बीच विवादों के समाधान हेतु न्यायालय की तरह भी कार्य करता है। निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता का निर्माण करना भी चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके द्वारा वह उनके नियम कानून लागू करता है, चुनाव में उनके खर्च की सीमा और चुनाव में उनके द्वारा जो आदर्श आचार संहिता होते हैं उन नियमों को लागूकरण करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग के माध्यम से संपादित किया जाता है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों को प्रचार हेतु रेडियो, टीवी आदि कार्यक्रम की सूची निर्मित करने का काम भी निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा संपादित किए जाते हैं। संसद सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है, अर्थात यह राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी विषय पर सलाह देने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों की निर्हरता पे संबंधित मामलों को राज्यपाल को परामर्श देने का काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, अर्थात राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदस्य की जो योग्यता है या उसकी निहरता है उसके आधार पर अगर वह व्यक्ति अयोग्य है या अक्षम है तो वह चुनाव आयोग राज्यपाल को इससे संबंधित सलाह या सिफारिश दे सकता है। कदाचार, हिंसा एवं अन्य अनियमितताओं पर निर्वाचन रद्द करने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास होता है। वह स्थितियों को समझते हुए उसके आधार पर निर्णय करते हैं। निर्वाचन हेतु राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से कर्मचारियों की आवश्यकता की मांग भी करते हैं। निर्वाचन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और खासकर भारत जैसे देश में जहां लगभग 125 करोड़ की आबादी है, यहां बहुत बड़ी लोकतंत्र की सफलता के लिए काफ़ी संख्या में चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी अथवा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसलिए चुनाव आयोग इस कार्य में सहायता हेतु राज्यों के राज्यपाल एवं केंद्र के राष्ट्रपति से इसके कर्मचारियों की आवश्यकता पर अपनी मांग उनको रखते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तंत्र का पर्यवेक्षण करना भी चुनाव आयोग अथवा निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। इसके द्वारा वह प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही होती है वह उसको करता है। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में एक वर्ष की समाप्ति के बाद निर्वाचन हेतु सलाह देने का कार्य भी करता है। दरअसल वह राष्ट्रपति को जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसके एक वर्ष के बाद वह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि वहाँ पुनः चुनाव किया जाए और एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जा सके। इसके लिए वह राष्ट्रपति को वो समय समय पर सुझाव या सलाह देते रहते हैं। राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय दलों का दर्जा देने का कार्य भी चुनाव आयोग के द्वारा संपादित किया जाता है। निर्वाचन आयोग का एक आयुक्त होता है जिसकी सहायता हेतु उप निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। ये सिविल सेवा के द्वारा चुने जाते हैं। इन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों व अवर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं।
निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करते हैं। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाची अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति भी करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात एक चुनाव के कुशल निष्पादन हेतु अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने की जिम्मेवारी उस पर होती है। यह एक स्वतंत्र निकाय होता है और यह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के द्वारा अपने कार्यों को संपादित करता है। अब हम इसकी समीक्षा करेंगे तो हम पाते हैं कि संविधान द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हेतु सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने की परंपरा रही है, जबकि इस पद के लिए न्यायाधीश सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्ति के पश्चात इनके कहीं भी कार्य करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, जो कि सर्वथा गलत है। चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिस कारण यह चुनाव धांधलियों को रोक पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके साथ साथ चुनाव आयोग कभी कभी चुनाव के समय अपनी सीमा के बाहर जाकर कार्य करता है, जो युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग वैसे तो एक शक्तिशाली एवं संपन्न संस्था है, लेकिन इसमें कुछ कमियां अवश्य है, जिनका निराकरण करके एक सशक्त संस्था के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो आज हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद।